कंप्यूटर के आविष्कार से लेकर अब तक दुनिया काफी बदल चुकी है, और तो दोस्तों काम करने का तरीका भी बदल चुका है। कोई ऐसा काम बता दीजिए जो कंप्यूटर के बगैर ना हो। साइबर क्राइम की घटनाओं में पिछले कुछ सालों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। आजकल मैलवेयर अटैक्स हैकिंग जैसी घटनाएं आम हैं, और इनके जरिए साइबर क्रिमिनल्स का निशाना बनते हैं टारगेट यूजर्स या ग्रुप। पिछले कुछ समय में एटीएम हैकिंग से जुड़ी कई घटनाएं सामने आई हैं। हम स्कैमर के जरिए होने वाली एटीएम हैकिंग की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं दुनिया भर के उन साइबर क्रिमिनल्स की जो एक साथ एक समय पर ही कई देशों के एटीएम को खाली कर देते हैं। एशिया और अफ्रीका में सबसे हाई प्रोफेशनल और खतरनाक साइबर क्रिमिनल्स का ग्रुप कई देशों में एटीएम को खाली कर रहा है। आइए जानते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक हैकरों के बारे में। नंबर एक पर है गैरी मैकिनॉन। इनका जन्म 10 फरवरी 1966 में स्कॉटलैंड में हुआ था। बचपन से ही गैरी को कंप्यूटर में बहुत दिलचस्पी थी। इन्होंने अपना सबसे पहला हैकिंग अटैक 2001 में अमेरिकी सेना और नासा के लगभग 97 कंप्यूटर को एक साथ हैक कर उनका डाटा चुरा लिया था, जिसे उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड की चाची के घर बैठकर किया था। और आखिर में ये पकड़े गए, पर इन्हें कोई सजा नहीं हुई क्योंकि यह अटैक उन्होंने स्कॉटलैंड से किया था, और इसे करने के पीछे उनका मकसद पैसा कमाना नहीं था, बल्कि यह जानकारी लेना था कि नासा ऊर्जा के क्षेत्र में क्या नई खोज कर रही है और UFO के बारे में जानकारी निकालना था। इस अटैक से US आर्मी के 2000 कंप्यूटर ढप हो गए थे। नंबर दो, केविन मिटनिक। केविन का जन्म 1963 में अमेरिका में हुआ था। 12 साल की उम्र में इन्होंने रेडियो ऑपरेट करना सीख लिया था। फिर इन्होंने कचरे के ढेर में से एक बस टिकट निकालकर जेल्स की बसों में टिकट लेने के पंच कार्ड सिस्टम को मात दे दी और फ्री में बस का सफर करने लगे। फिर उन्होंने एक टेलीकॉम कंपनी के सिस्टम को हैक कर लिया था। नंबर तीन पर है जोनाथन जेम्स। दोस्तों, जोनाथन जेम्स को दुनिया का कामरेड भी कहा जाता है। महज 15 साल की उम्र में जेम्स ने अमेरिकी सरकार के लगभग सभी डेटाबेस को हैक कर लिया था। कुछ ही समय बाद जेम्स ने अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के नेटवर्क को भी हैक कर लिया था। जेम्स के दिमाग के आगे नासा को 3 हफ्तों तक अपना नेटवर्क बंद करना पड़ गया था। नासा को अपना डाटा वापिस लाने में $41,000 यानी 28,88,388 रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। 2007 में जोनाथन को पुलिस ने पकड़ लिया और केस फाइल की, पर जेम्स ने सभी आरोपों को गलत साबित कर दिया। उसी दरमियान जेम्स ने 2008 में आत्महत्या भी कर ली। नंबर चार पर है हमजा। दोस्तों, हमजा को अपने समय का एक नेक दिल हैकर कहा जाता है। उसे स्माइलिंग हैकर के नाम से भी जाना जाता है। 2009 में हमजा ने एक ऐसा मालवेयर टूल बनाया जिसका नाम स्पाई आई रखा गया। उस मालवेयर का प्रभाव ऐसा हुआ कि कुछ ही समय में उसने 5 करोड़ कंप्यूटर्स को अपनी चपेट में ले लिया। उसके बाद हमजा से उन सारी कंप्यूटर्स की जानकारियां, जैसे लोगों के बैंक अकाउंट और ईमेल की जानकारी चुरा ली। हमजा ने लोगों के बैंक अकाउंट की मदद से कुल 200 बैंकों का पैसा धीरे धीरे चुराना शुरू कर दिया, और सिर्फ 2 साल के अंदर उसने अलग अलग बैंकों से $28 करोड़ यानी लगभग 2013 करोड़ रुपए चुरा लिए, जिसकी वजह से वो मोस्ट वांटेड साइबर क्रिमिनल्स की सूची में आ गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, उसने ये पैसे अपने लिए चुराए? जब FBI ने हमजा की सारी मनी ट्रांसफर रिपोर्ट चेक की तो वो लोग बिल्कुल भी हैरान रह गए। हमजा से चुराया हुआ वो सारा पैसा अफ्रीका और पैलेस्टाइन की गरीबी को देखते हुए वह दान कर दिया। जब मीडिया को ये जानकारी मिली तो हमजा को लोगों का बहुत समर्थन मिला। वो हमेशा मुस्कुराता रहता था, जिस वजह से लोग उसे स्माइलिंग हैकर के नाम से जानने लगे। हमजा ने अच्छा काम किया, लेकिन रास्ता गलत था। हमजा को केवल 15 साल की सजा सुनाई गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमजा ने सही किया? अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 5 पर आता है अल्बर्ट गोंजालेंज। अल्बर्ट एक ऐसा हैकर है जिसने करोड़ों लोगों को कंगाल बना दिया था। सुर्खियों के मुताबिक गोंजालेंज के पास 17 करोड़ लोगों के क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स थी, जिसे बेचकर उसने करोड़ों कमाए। यही नहीं, वो फर्जी पासपोर्ट, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट जैसी चीजें भी बनाता था, जिसके लिए उसे 20-20 साल की सजा सुनाई गई। उसकी ये सजाएं साथ साथ चल रही है। इन 5 हैकरों में आपको कौन सा हैकर सबसे ज्यादा खतरनाक लगा, मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।